मेरे सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर साहबान जिन्ह ने बड़ी मेहनत के नाल बड़ी कमिटमेंट के नाल बड़ी पारदर्शिता के नाल पंजाब का 2024-25 का बजट तैयार किया। मैं सब तो पहला सारे अफसर साहबान का धन्यवाद करना चाहांगा। सरदार भगवंत सिंह मान जी मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने 2 साल पहला पंजाब की बागडोर संभाली, 2 साल पहला उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री पंजाब के शपथ ग्रहण की और लगातार 2 साल तो पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाने के लिए सिर तोड़ यतन सिर तोड़ मेहनत कर रहे हैं। पंजाब जानता किस तरह रात के 2-2 बजे तक किसान आगुआ की मीटिंग जी केंद्रीय मंत्रियों के नाल करवाते हैं कि इतों पता लगता गा सबूत आ कि पंजाब के मुख्यमंत्री साहब किन्ने संजीदा ने पंजाब के मामले हल करन दे लई, किन्ना दृढ़ इरादा रखते ने पंजाब के मामले हल करन लई, किन्ना उन्हां दा विजन आ कि पंजाब नूं मुड़ रंगला पंजाब बनाया जाए, किस तरह पंजाब नूं मुड़ विकास दीआं लीहां ते लिआंदा जाए। लगातार मैं उन्हां दी 2 साल की सख्त मेहनत तो यह वाचिया गा। उन्हां नाल बतौर फाइनांस मिनिस्टर कम करते हुए वाचिया किस तरह वो हर एक काम बड़ी शिद्दत दे नाल बड़ी कमिटमेंट दे नाल करते हैं। 3 साल का पंजाब का बजट आज पंजाब की इस पवित्र विधानसभा के अंदर पेश होया गा। 3 बजट 2 लाख जिस तरह पहला मैं विधानसभा दस्या 2,04,918 करोड़ रुपए दसी पंजाब की विधानसभा तजवीज़ किया, जिदे मालिया घाटा वित्तीय घाटा क्रमवार 2.77% 3.80% जेडे असी वो टीचे रखे ने अनुमान लाए ने गे। जबकि पिछले साल यही सेम जिमें मालिया घाटे की गल करा 3.13 सी जिहड़ा कि हुण 2.77 हो गया। इस तरह वित्तीय घाटा 4.12 सी जिहड़ा कि असी हुण 3.80% जिहड़ा वो नोट किया गया। सो मैं समझदा एक बड़ा पॉजिटिव स्टैप आ सरकार का, यह तां पॉसीबल हो सकिया क्योंकि पंजाब के अंदर एक ईमानदार एक नेक नीति की सरकार जी आई है। इस साल जिहड़ी असी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के खर्चे निर्धारित किए गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के 1,27,134 करोड़ रुपए 1,27,134 करोड़ रुपए जी असी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जी निर्धारित किए गए। इस तरह जे मैं फैक्टर कैपीटल एक्सपेंडिचर की गल करा, कैपीटल एक्सपेंडिचर जोड़े ने गए वो 8,399 यानी कि लगभग 8,399 करोड़ रुपए जोड़े असी रख में रखे ने पंजाब के कैपीटल एक्सपेंडिचर के। इस तरह पी आई डी बी की मैं गल करा, पीडा की गल करा, वो कपैक्स के ये ही क्योंकि मैं ता बोल रहा 84 करोड़ जो आप ऐड कर लिए 1,000 करोड़ रुपया वो भी असी रकबा रख्या गया। सो कुल जो मैं कह तो यह 9,400 करोड़ रुपया राशि तय हो जाती है। इस तरह कुल जिमें पहला मैं दर्शाया गा कि 2.77 साडा रेवेन्यू डेफिसिट आ, ये 2,244 करोड़ रुपया बनता गा। इफेक्टिव जिहड़ा रेवेन्यू डेफिसिट आ 2,244 करोड़ रुपया 2.77% GSDP का टोटल GSDP का वो बनता गा। इस तरह फिजिकल डेफिसिट की मैं गल करा, फिजिकल डेफिसिट जिहड़ा वो 30,464 करोड़ रुपए 30,400 करोड़ रुपए जिहड़ा कि दैट इज़ इक्वल टू 3.80% ऑफ द GSDP 3.80% ऑफ द GDP 3.80 ऑफ द GDP आ जी जी सू जी रेंज प्रिमिसिबल वो हुई है। सो इस तरह मैं इफेक्टिव जो आउटस्टैंडिंग डेट आ गल करा 2,93,729 2,93,793,729। इस तरह 23-24 RE की मैं गल करा, RE की गल 3,22,23,135। इस तरह मैं हूँ बजट की गल करा 3,53,600।
जिहड़ा कि बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट आ। कई लोग मेरे साथी सज्जन जिहड़े कि विधानसभा तो बाहर भी ने या विधानसभा च भी ने जिन्हां नूं पंजाब दे लोकां ने विधानसभा तो बाहर किया कि कुछ नूं अंदर भेजा वो गल करते होंगे ने कि उहदी मैं GSDP की गल करा तो 22-23 च 43.64 सीगा ते पिछले साल 43.84 सीगा सो इस बार वो 44.5 यानी कि लगभग 44% है उहदे च डाउन जिहड़ा सी किया गया। सो इस तो बिना होर वख वख सैक्टरां दे अंदर मैं ऑलरेडी जिहड़ा वो एक्सप्लेन कर चुकिया गा कि किहड़े किहड़े रखे ने गे। सो मैं समझदा तीजा बजट भी जिहड़ा असीं बगैर कोई नवां टैक्स इंपोज किए जिस तरह पहले दो बजट सीगे वो बगैर टैक्स तो लोक हित बजट सीगे लोक पक्षी बजट सीगे। तीजा बजट भी जिहड़ा गा वो लोक पक्षी आ लोगों की आशा नूं पंजाब दे एग्रीकल्चर खेत्र नूं पंजाब दे एजुकेशन खेत्र नूं पंजाब दे मैडिकल खेत्र नूं पंजाब दे सर्विसेज खेत्र नूं ध्यान च रख के बनाया गया। सो मैं समझदा कि सर्वपक्षी जिहड़ा वो लोक पक्षी जिहड़ा बजट अज असीं पंजाब दी विधानसभा च पेश कीता गया। सो जिस तरह मैं गल कहा सीगा कि पिछले साल दौरान असी GVK वर्ग जिहड़ा गुरु जी दे नाम गुरु अमरदास जी थर्मल प्लांट रखिया गया वह भी असी इसे साल खरीदया गया जिहड़ा लगभग 1,080 करोड़ रुपए जिहदी कॉस्ट बड़ी घट है 1,080 करोड़ रुपए जबकि जे नवा प्रोजेक्ट लाना हो तो उहदे उत्ते लगभग 8.5% 8.5 करोड़ रुपए प्रति मैगावाट उत्ते खर्चा आता गा जबकि असी प्रोजेक्ट जिहड़ा वो 2 करोड़ रुपए के सिर्फ 2 करोड़ रुपए मैगावाट के हिसाब के नाल उहनू परचेज किया गया। डोर स्टैप डिलीवरी राशन की डिलीवरी उहदे लई रकमे फंड रखे गए नेगे। इस तरह महला क्लीनिक लगातार वो जिवें पहला 829 असी बनाए नेगे लगातार इस तरह पूरा साल भर खुलते भी रहेंगे और लोगों को सेवावां भी जिहड़ियां वो जारी जिहड़ियां रहणगियां। इस तरह स्कूल ऑफ एजुकेशन की गल करिए स्कूल ऑफ ब्रिलियंस 100 स्कूल जिहड़े सीनियर सैकेंडरी स्कूल उन्होंने स्कूल ऑफ ब्रिलियंस के तब्दील किया जाऊगा। स्कूल ऑफ एंबूलेंस पिछले साल असी किए 118 जिन्हां दे 14 बन के तैयार हो गए लोगों को समर्पित ने गे। इस तरह स्कूल ऑफ अपलाइड लर्निंग 40 स्कूल आइडेंटिफाई किए गए नेगे। स्कूल ऑफ हैप्पीनस कदे ये प्राइवेट स्कूलों का कंसैप्ट होंदा सीगा पर लेकिन सरकार ने पहली बार होया कि स्कूल ऑफ हैप्पीनस जिहड़ा वो 180 प्रायमरी स्कूल आइडेंटिफाई किए नेगे। अगले साल के दौरान स्कूल ऑफ हैप्पीनस 100 जिहड़े नेगे वो तब्दील होणगे। सो मैं ज़्यादा तुहाडे नाल क्योंकि पूरा का पूरा बजट मैं लगभग 1 घंटा 20 मिनट दे विच तुहाडे तुसी बहुत सारे साथी गैलरी च बैठे सीगे सरमुख अंकड़िया समेत किया गया। सो मैं नहीं कहांगा कि तुहाडा सब का बहुत बहुत धन्यवाद जे कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ है जी बिल्कुल जदों पंजाब च इलैक्शन हो रही थी 2022 वो तो बहुत सारिया गरंटियां पंजाब के लोगों को आम आदमी पार्टी दित्तियां सीगियां जिन्हां विचों मैं समझदा सब तो बड़ी गरंटी सी पंजाब दे इधर एजुकेशन नूं लैके सिक्ख्या नूं लैके कि असी सिक्ख्या दे अंदर स्कूल ऑफ एविनेंस बनावांगे असी सिक्ख्या दे अंदर अपने अध्यापकों नूं अपने टीचर साहिबान नूं बड़ी इंस्टीट्यूशन के अंदर बाहरले देशों के अंदर जिहड़ी असियां अच्छियां इंस्टीट्यूशन हैगियां उन्हां दे अंदर सिखलाई लैण लई भेजांगे ताकि उत्थों पढ़ के आके साडे बच्चियां नूं पढ़ाउण उहदे विच असीं बिल्कुल 100% कामयाब होयांगे। स्कूल ऑफ एविनेंस भी बनन लग गए और साडे अध्यापक साडे टीचर जिहड़े नेगे वह बाहरले स्टेटां जा के या बाहरले देशों दे विच जा के ट्रेनिंग लैके आए ने। साडी जिहड़ी इह गरंटी सीगी वह असी लगभग उत्थे पूरी हो चुकी है और दूजी गरंटी सी पंजाब दे लोकां नूं कि 300 यूनिट असी फ्री ऑफ कॉस्ट इलैक्ट्रिसिटी देवांगे
ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ 100% ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖਰੇ ਉਤਰਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 85% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 6% ਦਾ ਵਾਧਾ, ਸਿਰਫ 6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਔਨ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 8% ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, 13% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਗਾ, 13% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਛ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ 6 ਤੋਂ 12, 12 ਤੋਂ ਵੀ 13, ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ GST ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ IIT ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਰੀ ਵੀ ਰੁਕੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਿੱਲ ਲਾਓ, ਨਾਮ ਪਾਓ ਸਕੀਮਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ। ਜਿਤਨਾ ਹਮ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਟੈਕਸ ਕੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੋ ਹਮ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ 2024-25 ਕੇ ਲੀਏ ਹਮਨੇ ਆਪਣਾ GST ਕਾ ਰੈਵਨਿਊ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਆ ਹੈ 25,750 ਰੁਪਏ। 25 ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਆ ਕਿ 25,750 ਰੁਪਏ ਉਸਮੇ ਹਮਨੇ ਬੜੋਤਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸਮੇ ਹਮਨੇ ਉਸਕੋ ਆਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੈਟ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 8,850, ਹਾਂਜੀ 8,850 ਕਰੋੜ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ 10,350, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਗਾ ਕਿ 5 ਦਾ ਅੰਕੜਾ 5 ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 6,151, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਿਰਫ 6,151 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 10,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 10,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਟੈਪ ਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ 5 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
किया गया। सो इसते असी उन्होंने कोई बजट नहीं पाया, लोड नहीं पाया, क्योंकि वो माफिया से जरा खत्म करने इरादे असी जो रेट घटाया। इस तरह मैं स्टैंप्स एंड रजिस्ट्रेशन की गल करा, 5750 करोड़ रुपए जोड़ा असी टारगेट रखा गया, 25% का वाधा। इस तरह टैक्स एंड वहीकल दे विच असी 4350 यानी कि 31% का, इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी के उत्ते इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी के उत्ते 3512%, तो अदर जोड़े होर चार्जस होंगे छोटे छोटे उन्होंने 650 यानी कि 30% का असी वाधा रखिया। इस तरह नॉन टैक्स रेवेन्यू मसलेनियस जोड़े जनरल रसीट्स होंदिया ने ओद भी असी 11% का वाधा किया गया। पिछले साल आरी के अंदर वह 10051 सी, जिहड़ा कि हुण असी वधा के 11246 किया। इस तरह पंजाब रोडवेज 260 तो वधा के 400 किया गया, 60%। हाउसिंग एंड अर्बन डिवेलपमेंट 1255 करोड़ तो वधा के 2530 करोड़ किया गया। ये लगातार जिहड़ा हैगा असी एक टारगेट फिक्स किए ने, जिस तरह पुराने पिछले साल असी टारगेट फिक्स किए थे कि असी अपना रेवेन्यू की कलैक्शन बधानी आ बगैर कोई नवा टैक्स इंपोज किए, असी सारे वो टैक्सा के अंदर कलैक्शन ता वधिया कि जेकर पंजाब के अंदर फैले वक् वक् माफिया खत्म किया गया। जिहड़े माफिए श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की सरकार ने पंजाब शुरू किए, जिन्हां माफिया पाल पलोस के कांग्रेस पार्टी ने वड्डा किया, जिन्हां माफिया के राही कांग्रेस के लोग पंजाब का खजाना लुटते रहे, अकाली दल बीजेपी के लोग पंजाब का खजाना लुटते रहे, वह सारा माफिया जिहड़ा सी डंप करता, खत्म करता, ता ही जिहड़ा रेवेन्यू जिहड़ा वह 6% तो वध के 13% बैक हेड की गल कर रहे होया। बिल्कुल नहीं जी, एजुकेशन का बजट जिहड़ा वो पहले साल के मुकाबले जिहड़ा वधिया गा। हाँ, तुहानू लगदा होगा कि जिहड़ियां दीवार ने उन्हां दा घट गया दीवार, क्योंकि पिछले साल असी इन्ना उन्हां दी बजट रखिया सीगा। उस इस बार भी जिहड़ा हायर एजुकेशन आ उहदे च 6% का वाधा किया गया, नहीं नहीं 6% का किया गया। आरी च 6% का वाधा सी, हुण असी उहदे च जिहड़ा हायर एजु स्कूल एंड स्कूल ते हायर एजुकेशन 11.5% का वाधा गा। तो इस तरह हैल्थ एंड फैमिली वेयर च फैमिली वेलफेयर 3.6 का, सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस 6.3 का, फूड सप्लाई 7 पॉइंट का, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड ट्रेनिंग 1 पॉइंट का, इस इंफ्रास्ट्रक्चर 16% तो उपर का वाधा किया गया। सो सारे हेड के लगभग वाधे हुए हैं एज पर लास्ट ईयर। बिल्कुल, जिहड़ा पुराना कर्जा पुरानियां सरकारां ने लिया गा उहदी जिहड़ी उस कर्जे की जिहड़ी किस्त या उस कर्जे का इंट्रस्ट जिहड़ा हैगा वह भी लगातार सानूं मोड़ना पै रहा हैगा। सो पिछला जिहड़ा अप्रोक्सीमेटली जे मैं गल करा तो 30,370 करोड़ तो उपर पुराने कर्जे का इंट्रस्ट ब्याज जिहड़ा वो मोड़िया गया। इस तरीके लगभग 29,023 जिहड़ी प्रिंसीपल अमाउंट आ प्रिंसीपल रीपेमेंट की है, क्योंकि बहुत सारे कंटिन्यू जिहड़ा प्रोसैस हुंदा ये नहीं हुंदा कि तुसी RBI दी कोई किस्तां रोक लोगे, जदों भी RBI साडा जिन्ना भी खजाने च पैसा जांदा गा RBI आपदा जिहड़ा बनदा हुंदा हिस्सा जिन्ना भी सानूं लोन लिया होया गा पुरानियां सरकारां ने पहलां ओह कट के ही सानूं वापस दिंदियां ने कि तुहाडा भाई 100 रुपया आया सीगा इहदे चों 25 रुपए तुहाडे कट लै गए तां तुहाडे 75 बणदे ने तां तुहानूं जिहड़ा ओह वापस आ जांदा गा। इस तरह जिहड़ियां पेंडिंग लाइबिलिटी सीगियां जिवें पेंडिंग लाइबिलिटी जिहड़ियां पुरानी सरकार दियां तुसीं कह रहे हो कि उदों घट गया कर्जा होया, वह 6,279 करोड़ रुपए 6,279 करोड़ रुपए पुरानियां लाइबिलिटी जिस PSIDC दे पनसब दे पूडा दे PSADVI दे पंजाब एग्रो दे पावर सबसिडी दे ये सारे पैसे असी जिहड़े नेगे वो रीपे किए ने वापस किए ने। बिल्कुल जी, लगातार जिहड़े प्रेजेंट जिहड़े टैक्स रजीम चल रही है GST चल रही है उहदे अंदर असी अपनी टैक्स कंपलायंस नूं उहदी टैक्स की प्राप्ति में लगातार बढ़ा रहे हैं
और असी अपना टैक्स की प्ला बधा रहे हैं कि इस करके जो पिछले साल नो डेट लैंड की क्रिया वो 4% का 4% जोड़ा इस साल असी कट ले रहे 4% का जोड़ा वो घाटा होगा हौली 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 डिकलाइन होगा। ये 30-35 साल का बधाया होगा, एक दिन या चंद दिनों के पूरा नहीं होना है, 30-35 साल की प्रक्रिया के दौरान चढ़ाया गया। सो असी इन 4% इस बार डिकलाइन किया गया, ये मैं समझना एक बहुत बड़ी स्टेट की जी प्राप्ति आ और स्टेट का पॉजिटिव स्टैप आ। थैंक यू जी, हम आज चाचे आओ आप खाना खाइए।